आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव, पहली बार एनडीआरएफ ने ताज पर मॉक ड्रिल किया। भूकंप और आग लगने पर भी राहत कार्य का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कई विभागीय अधिकारी भी शामिल हुए। बुधवार को ताजमहल का नजारा कुछ अलग था। ताजमहल के अंदर एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, सिविल डिफेंस, सिविल पुलिस और अन्य प्रशासनिक विभाग के अधिकारी अचानक ताजमहल के अंदर पहुंचे। अचानक राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। जवानों ने बेहतरीन अंदाज में राहत और बचाव कार्य किया। तमाम तरह के उपकरण एनडीआरएफ की टीम के पास मौजूद थे। मदद एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाई गई। हवा में लहराते हुए जाना शुरू किया। स्ट्रेचर पर लोगों को लेकर भागने लगे। मीनारों को रस्सियों से रोका जाने लगा। ये सब माहौल देखकर ताजमहल देखने आए पर्यटक भी रुक गए। तमाम ऐसे पर्यटक थे जो ताजमहल देखने जा रहे थे लेकिन मॉक ड्रिल को देखने लगे। पर्यटकों की भारी भीड़ लग गई। दरअसल इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जगह जगह सभी विभागों के लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में एनडीआरएफ की टीम ने अन्य स्वच्छता एजेंसियों और प्रदेश प्रशासनिक विभागों के साथ मिलकर ताजमहल पर मॉक ड्रिल की। ताजमहल पर भूकंप, आग लगने और बिजली गिरने जैसी घटनाओं के दौरान कैसे राहत और बचाव कार्य किए जाए, इस सबका अभ्यास किया गया, मिलकर अभ्यास किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत भी एक आपदा प्रभावित श्रवण क्षेत्र माना जाता है। तरह तरह की आपदाएं यहाँ पे आती हैं। उसी को देखते हुए आज जो एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, सिविल डिफेंस थी, सीआईएसएफ थी, हमारी सिविल पुलिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका एक मॉक ड्रिल यहाँ किया गया है कि यदि कभी यहाँ पर कोई ऐसी घटना घट जाए, जैसे भूकंप आ जाए या कोई अग्नि हो जाए, तो उसको लेके एक मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है एनडीआरएफ के द्वारा कि क्या क्या हम लोग उसमें उपाय कर सकते हैं बचाने के लिए, क्या क्या हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, उनका हमें किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एनडीआरएफ कमांडर कुलिसा आनंद का कहना था, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी विभाग कार्यक्रम कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान इस बात को परखा गया किस तरीके से आपदा के दौरान हालातों से निपटा जाए, किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई जाए, किस तरीके से लोगों की जान बचाई जाए। केंद्र की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंदर ही जैसे सारे महकमे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे एनडीआरएफ भी पार्टिसिपेट कर रहा है अलॉन्ग विद स्टेट्स। उसी के तर्ज पे यहाँ पे आज एक मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसका कि बेसिक जो क्षेत्र कवर किया गया वो था डिसास्टर का, अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक के दौरान किस तरीके से रेस्क्यू फोर्सेस किसी भी एरिया में आकर या जहाँ पे कि लोग हताहत हुए हैं, कोई बिल्डिंग गिरी है, किस प्रकार हताहतों को सुरक्षित निकालते हैं और किस तरीके से उस एरिया के अंदर जो बाकी की फोर्सेस हैं या जो एनडीआरएफ और अन्य जवानों के कार्य को देखकर पर्यटक बेहद गदगद नजर आए। जिस तरीके से राहत और बचाव कार्य का प्रदर्शन किया गया उसको देखकर हर कोई प्रसन्न नजर आया। किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम काम करती है, किस तरीके से आपदा के दौरान काम करना है, आम जनता को भी बताया गया कि उन्हें क्या कुछ करना है, जब विषम परिस्थिति आ जाए तब हालातों से कैसे निपटा जाए, ये सब मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को भी बताया गया। गोपाल शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।